हेलो फ्रेंड्स, बैक योर प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं कि रिले कैसे यूज करते हैं। ये मेरे पास है 12 वोल्ट डीसी 200 ओम्स का रिले। ये रिले का इनपुट टर्मिनल है 12 वोल्ट का। ये दो इनपुट टर्मिनल है। अब आइए 12 वोल्ट देते हैं। ये मेरे पास 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई है। ये मेरे पास पहले से कनेक्ट किया एक एलईडी बैटरी है। अब सोचिए कि इसको आपको कंट्रोल करना है, तो ऐसे में टच करने से भी कनेक्ट हो सकता है। आपको ये रिले के जरिए कनेक्ट कंट्रोल करना है तो कैसे करते हैं देखिए। एक क्लिप लीजिए। आपको करना क्या है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए और ये रिले का इनपुट टर्मिनल है, इनपुट पे कनेक्ट कर दीजिए। अब करना क्या है, दूसरा एक क्लिप लीजिए और इसको एक टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए और दूसरा टर्मिनल एलईडी पे कनेक्ट कर दीजिए। अब आपको अगर एलईडी इनपुट ऑफ में चलाना है कि वोल्टेज ऑफ कर दूं तो एलईडी जलना चाहिए, और वोल्टेज ऑन करूं, पावर सप्लाई ऑन करूं तो ये बंद होना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं, बंद किया एलईडी चालू हो गया। अगर आपको करना है कि इसको ऑफ में बंद रखूं, पावर सप्लाई जब आए तब एलईडी चालू हो, तो दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे इस साइड पे, बाहर साइड पे। और वोल्टेज जैसे ही आया, इनपुट वोल्टेज जैसे 12 वोल्ट दिया तो एलईडी जल गया। इस तरह से ऑफ करने पर ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं रिले को। देखने के लिए शुक्रिया। अब आप भी कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान है इसको कनेक्ट।